हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाएं। और मैं नहा धो ली और पूजा भी कर ली हूँ और मैं जा रही हूँ। मैं तो व्रत नहीं रखी हूँ, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत नाश्ता करने, मतलब मैं दिखाती। ये चावल आटा का पापड़, इसे मैंने खुद से बनाया है चावल आटे से। कल बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसे सुखा कर, एक दिन में ही सूख जाता है ये, तो इसे सुखा कर फिर इसे आज मैं तेल में फ्राई की हूँ। ये मैं खाऊंगी और यहाँ मैं चाय रखी हूँ। चाय मैं ऐसे कटोरी में लेती हूँ, इसे थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है इसलिए। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चिड़िया ऐसी जगह है ना, मैं से नहीं दिखा सकती इसलिए थोड़ा सा जूम की हूँ। तो चिड़िया मुँह फाड़ी है, दो तीन हैं, और ये ऐसे जगह पे दिए हैं जहाँ पर ना बिल्ली कोई भी मतलब आ नहीं सकता कि मुँह फाड़ी है। दो तीन हैं, मेरे को दो तीन दिख रही है कि मम्मी वो मुँह में कुछ चोंच में भर कर लाई है, भर के लाती है फिर खिलाती है। अभी मैं हूँ तो शायद इसलिए नहीं आ रही है, इसलिए अभी मैं जाऊँगी तो फिर ला खिलाएगी। मैं जाती हूँ तो बच्चे लोग भी मुँह फाड़ रहे हैं, उनको भी भूख लगा ऐसा। अब वो देखना, वो है अभी उड़ के यहीं पर है, यहीं पर इसके ऊपर ही है, अभी उड़ के आएगी खिलाएगी। शायद मैं हूँ इसलिए नहीं आ रही है। चलो मैं जाती हूँ वरना नहीं आएगी वो। हेलो फ्रेंड, यहाँ मैं खा रही हूँ घुघरी। इसे हम लोग ऐसे घुघरी बोलते हैं, चना और आलू को बारीक बारीक काट कर सूखा भूना था। और ये सुबह नाश्ते के लिए है, तो नवरात्रि के सेकेंड डे का वीडियो है ये। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चावल का पापड़, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने पानी लिया है और इसमें ऑयल नहीं डालना है, लेकिन कढ़ाई में मैंने पूड़ी तला था तो वो जो कढ़ाई ऑयल थी ना, तो मैं उसी में ही पानी डाल के बना ली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी डालना नहीं है आपको। अगर आप बनाते हैं तो सादा पानी लेना है आपको, फिर उसमें सिर्फ नमक डालना है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत खाने वाला सोडा मिला सकते हैं, अगर नहीं भी मिलाएंगे तो कोई बात नहीं है, वो तब भी बन जाएगा अच्छे से। यहाँ मैंने चावल आटा ले लिया है और पानी अच्छे से गर्म हो जाए, मैं नमक है उसे मिला लेती हूँ। तो इसमें तेल मैंने डाला नहीं है, वो कढ़ाई में था इसलिए वो आपको तेल थोड़ा लग रहा है, डालने की ज़रूरत नहीं है तेल। तो यहाँ नमक मिल गया, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे चावल का आटा। और चावल के आटे को अच्छे से पकाना है इसमें, और इस तरीके से पका के फिर हम बनाएंगे चावल का पापड़, आटे का पापड़। तो ये देखिए पानी में थोड़ा गर्म हो गया है, पाए ऐसे लेंगे और एक हाथ से चावल का आटा डालते जाना है और एक हाथ से मिलाते जाना है। या मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मेरा एक हाथ बिजी था, क्योंकि इसमें ऐसे गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं मिला मिला के ना इसकी गुठलियाँ जो है, इसमें जो ऐसे गुठलियाँ पड़ी हैं उसे वो कर रही हूँ। इस तरीके से मिलाते जाना है और चावल का आटा डालते जाना है, जब तक थोड़ा पानी, मतलब इतना चावल का आटा डालेंगे ताकि जितने पानी के लिए हो जाए, सूख जाए थोड़ा तब तक के। तो ऐसे मिलाते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये बहुत सारी गुठलियाँ हो जाएंगी उसमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसमें जो गुठलियाँ बन रही हैं उनको फोड़ते जाएंगे, इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे इसमें ही। और तब तक डालेंगे जब तक ये थोड़ा सा ठीक नहीं हो जाता है, तो इस तरीके से बनाते जाएंगे। और मैंने आप लोगों को अपने यहाँ का चिड़िया दिखाया था ना, वो चिड़िया के बच्चे, मतलब चिड़िया दिन भर सुबह से लगे रहती हो हम लोग के लिए दाना लाने के लिए। एक चाहे चिड़िया की माँ हो या फिर मतलब कोई भी माँ हो, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे जानवरों में हो, कोई भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है। तो इस तरीके से वो अपने बच्चों को ना दिन भर, सुबह से दिन भर वो तीन बच्चों को लिए एक साथ तो दाना ला कर नहीं डालती है, चोंच में कुछ ना कुछ दबा दबा कर लाती है। मैंने छत पे ही पानी और चावल थोड़ा सा रख दिया है, बट वो बच्चों के लिए पता नहीं क्या छाट कर लाती है अपने चोंच में दबा कर। और जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ ना,
तो वो चिड़िया आकर बैठ जाती है कि उसको लगता है कि मैं उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दूँ, इसलिए वो कभी कभी तो लगता है कि वो मेरे ऊपर ही अटैक कर देगी। मैं वीडियो बनाते रहती हूँ तो वो मेरे पीछे ही बैठे रहती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। ऐसी होती है माँ, और अपने बच्चों के लिए एक एक दाना दिन भर इकट्ठा करते रहती है वो, और शाम तक इकट्ठा करेगी, अपने बच्चों को लाला कर खिलाते रहती है। उसके बच्चे भी दिन भर मुंह खोल कर ही पड़े रहते हैं और लाला के उनके में खिलाती है। अब तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, बट फिर भी चिड़िया अपने बच्चों के लिए ही दाना ला के खिलाती है। ऐसी होती है माँ, अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती, सुबह से शाम तक पता नहीं अपना खाती है कि नहीं, अपने बच्चों के लिए लाला के खिलाते रहती हैं। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चों के लिए दिन भर वो आती है जाती है, आती है जाती है, बार बार दाना खिलाते रहती है अपने बच्चों को। तो इस तरीके की माँ होती है, अपने बच्चों के लिए कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। आप देखिए ये बन गया है, इस तरीके से ठीक हो गया है ना, इतना आटा इसमें डालेंगे ताकि वो ठीक हो जाए, बस अब हो गया है। उसके बाद इस तरीके का सांचा आता है, कोई सा भी आता है, इस तरीके का प्लास्टिक का भी आता है, स्टील का भी आता है, तो मेरे पास स्टील वाला है, इसमें भर ली हूँ मैं। और इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, पहले जब मैं बनाई थी तो वो थोड़े पतले पतले उसमें छेद थे वाले डिज़ाइन से बनाई थी, और अभी ये थोड़ा मोटा स्टार जैसा है, तो इसमें इस तरीके से डिज़ाइन से बनेगा। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, और इसे मैं घर के अंदर ही बना रही हूँ, क्योंकि बाहर तो इतनी तेज़ छत पे इतनी तेज़ धूप है कि वहाँ मैं बना नहीं सकती। तो यहाँ मैं थाली में ही बना रही हूँ, आप चाहे तो साड़ी में या फिर पेपर में, पेपर बोल रही हूँ, पन्नी में, जो पॉलीथीन आती है ना बड़ी वाली, उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थाली में बना रही हूँ। थाली में अगर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ना तो ये आराम से निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं थाली में ही तीन चार थाली में बना ले रही हूँ, और आटा ज़्यादा था तो थाली में आ नहीं रहा था, इसलिए मैं एक के ऊपर एक पहले तो जलेबी वाले डिज़ाइन से बनाई थी, फिर आटा ज़्यादा हो गया ना तो मैं एक के ऊपर एक ही डाल दी थी, क्योंकि बाद में तो निकलना ही है। तो इस तरीके से बाद में जब सूख जाएगा ना तो सब निकल जाता है। और इतनी तेज़ धूप हो रही है कि कितना भी मोटा लेयर डालो एक दिन में ही सूख जाएगा। तो पहले तो मैं इस तरीके से बना रही थी, फिर उसके बाद जब थाली कम पड़ गई ना और बहुत ज़्यादा आटा लगा तो वे एक के ऊपर एक बहुत सारा डाल दी, और इस तरीके से बहुत सारा बना ली। और एक कढ़ाई में ही बहुत सारे पापड़ बन जाते हैं, अगर एक कढ़ाई चलिए चलते या हैं छत उसमें पे, बनाते हैं तो। मैं पापड़ बनाई हूँ, उनके सूख गया होगा। चलिए वहां से ले छत पे, और यहाँ सीढ़ी के ऊपर में ही और चिड़िया बच्चे दी हुई है, तो चिड़िया छोटा के सा बच्चे अपना दिख घोंसला बनाई हुई है, उसमें बच्चे दी हुई है। ऐसे जगह पे है कि हम भी नहीं देख सकते, तो ना ही बिल्ली बिल्ली आ सकती है, ना ही और कोई पंछी भी आ सकता है, अंदर साइड में है। और ये है मेरे पापड़, और बहुत हवा चल रही थी तो थोड़े से लग रहा है मेरे को इसके ऊपर दुपट्टा डालकर फैलाना था ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाती, लेकिन ठीक है उतना तेज़ हवा नहीं था। और मैं अब छत पे आई हूँ, मेरे पापड़ भी एक दिन में ही इतने सूख गए हैं। मैं वैसे बनाई थी दो तीन बचे, तो कल तो और मतलब कल एक दिन और धूप दिखाएंगे तो सूख जाएगा। 2-3 बजे बनाई थी तो 4-5 बजे तक तो इतना सूख गया, तो एक दिन में तो पूरा सूख जाएगा। और यहाँ मैं अपने कपड़े ले ले रही हूँ, कपड़े हो या कुछ भी हो, इतनी तेज़ धूप हो रही है मैंने सब दो सूख तीन जाएगा। बार ऊपर नीचे की सीढ़ी से, तो चलिए अब मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और चिड़िया हो गई है, अब 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा चिड़िया के बच्चों, तो अब उनकी आंखें भी खुल गई हैं और वो थोड़ी बड़ी बड़ी भी हो गई हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।